कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल अडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 5, क्लास 7 साइंस की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेन्स्ड इन सॉयल। सॉयल में न्यूट्रिशन कैसे वापस आते हैं। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू नियरेस्ट क्रॉप फील्ड में जाती है, एक किसान को देखती है कि वो फर्टिलाइजर स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है। शी सॉ द सेम इन द गार्डन वेयर गार्डनर वॉज यूजिंग मैन्योर। उसने देखा कि फार्मर फर्टिलाइजर को यूज़ कर रहे थे फील्ड में और गार्डनर जो है मैन्योर को कर रहा था अपने लॉन के पॉट में। हैरान हो रही है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। तब उसको पता चला कि फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजर बेटा वो केमिकल होते हैं, केमिकल जो कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के ग्रो के लिए। और मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो डेड प्लांट से, एनिमल से बनते हैं, उनके एक्सक्रेटा से, वेस्ट से, और इनसे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। चलिए प्लांट्स के बारे में और पढ़ते हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉयल। सॉयल से मिनरल न्यूट्रिशन लेते हैं, ग्रोथ होती है उससे, उनकी गुड हेल्थ रहती है, ठीक है। और फर्टिलाइजर मैन्योर जो है वो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इनका भी प्लांट्स यूज़ करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड टाइम टू टाइम। देखिए प्लांट्स में मिलाया जाना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम पे, ताकि सॉयल्स में, सॉयल में नहीं मिलाएंगे तो सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है प्लांट को लार्ज अमाउंट में। नाइट्रोजन जो है प्लांटिया होता है एयर में, लेकिन प्लांट उसे ले नहीं सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को कोई सोल्यूबल फॉर्म होना जरूरी है ताकि वो अर्थ में आ पाए। तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, इसको याद रखो। ये जो चने वगैरह होते हैं ना, मटर वटर, मूंग की दाल, मटर की हैं, बीन्स जो भी, इनको लेग्यूम्स प्लांट बोलते हैं। इनकी रूट्स में, जड़ों में होता है बेटा ये बैक्टीरिया राइजोबियम। ये क्या करता है, एयर की नाइट्रोजन को सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में और अर्थ में ले आता है। इससे अर्थ को नाइट्रोजन मिल जाता है, इसीलिए पता है बीच बीच में इनकी फसलें उगाते रहनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जितने भी दाल्स होते हैं ना, उनमें लेग्यूनस प्लांट होते हैं वो फॉर्म करते हैं। और राइजोबियम कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, वो अपना फूड तो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए प्लांट प्रोवाइड फूड, प्लांट उनको फूड शेल्टर देता है, और इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए, बेनिफिट के लिए एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि राइजोबियम दे रहा है जो बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन देता है, उसके बदले उसको प्लांट से भोजन मिलता है। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बेटा क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। लिखने नहीं सर, नोट डाउन करना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट 3 मेन न्यूट्रिएंट्स बताने हैं प्लांट्स के, कौन कौन से अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, बताइए। नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये मेन है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन 3 का ये आंसर है, क्वेश्चन 3 का, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, क्यों जरूरत पड़ती है इनको। चलिए हम आगे देखते हैं, देखो, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये पूरा लिख लेना है आपको, ये तो ये सॉयल को ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बेटा। आई होप आपको सारी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो कि दालों की जड़ों में, रूट्स में होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथ ही आपको बताना है कि हमारे वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो, और चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, फिर मिलती हूँ।